राज्य सरकार द्वारा ऊना उपमंडल की 3 नगर परिषदों में 12 पार्षद मनोनीत किए गए हैं। इन पार्षदों को एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने आज ऊना में शपथ दिलाई। ये पार्षद ऊना, मेहतपुर, बसदेहड़ा और संतोषगढ़ में मनोनीत किए गए हैं। शपथ समारोह में पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि नए मनोनीत पार्षद अब अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद के समक्ष विकास योजनाओं का खाका रख सकेंगे। हमारे मनोनीत किए गए पार्षदों को शपथ दिलाई गई है और इसमें हमारे नगर परिषद ऊना के, महतपुर के और संतोषगढ़ के पार्षद थे और सभी की शपथ जो समारोह है उसमें सभी ने भाग लिया और शपथ समारोह सबको शपथ दी गई और आगे जाने आने वाले टाइम में इन्हें जल्दी ही जनरल हाउस जो है कॉल किए जाएंगे, उसमें ये उपस्थित रहकर अपनी जो है वहाँ पे सेवाएं देंगे। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि सरकार ने इन सभी मनोनीत पार्षदों को अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पार्षद विकास कार्यों के माध्यम से स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पार्षद हैं, इनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने विकास कार्य जो हैं उनको आगे लेकर आएँ और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो इनके ऊपर अटूट विश्वास है उसको ये पूरा करें, क्योंकि ये इनको एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है। तो इन सभी पार्षदों को ये सोचना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में इनको चुना गया है अपने अपने क्षेत्रों में सही तरीके से निर्वाह करें और विकास कार्यों में सहयोग करें।